ग्यारह बज के 2 मिनट हो चुकी है और मार्केट ने आज बहुत अच्छा काम किया। देखिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिरी है, तो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट के लिए अच्छी खबर है। इंस्पाइट ऑफ ग्लोबल क्लूज बहुत ख़राब थे, उसके बावजूद मैंने बोला था कि आपको हमारे लिए अच्छी खबर है। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, फिर मैं मार्केट की बात करता हूँ। और आपको सबको याद होगा कि मैंने कौन कौन सा शेयर बताए थे शनिवार के दिन आपको वीडियो में, वो भी आपको याद होगा, तो वो भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए, ये अनिवार्य है पढ़ना। इट इज़ ए मैंडेटरी टू रीड दिस डिस्क्लेमर बिफोर वॉचिंग माई वीडियोज एंड इट इज़ ऑलवेज रिटन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ ऑल माई वीडियोज विच द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इज जस्ट बिलो द टाइटल बॉक्स ऑफ द वीडियो, टाइटल ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो अब हम लोग मार्केट का देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह देखते हैं क्या चल रहा है। तो देखिए, आपके सामने निफ्टी ने 743 का फ्यूचर में लो बनाया, लेकिन आप देखो 775 के ऊपर कंटिन्यू टिका हुआ, जो लेवल मैंने बोला, और यह 35,300 के ऊपर कंटिन्यू अभी तक टिका नहीं है इन स्पॉट। ठीक है, तो इसको टिकने दीजिए आधा घंटा, तब इसमें भी बाई करना है। अब आज ये कुछ आपको शेयर्स बोले थे मैंने, जैसे डॉक्टर रेड्डी बोला था, तो आप देखो आज के मार्केट में भी प्लस है और 5460 का हाई भी बनाया है। ठीक है, आज के मार्केट में। और मैंने आपको डाबर बोला था, डाबर याद आ गया होगा सबको, कितना गया, 586 तक गया, कल की क्लोजिंग क्या थी, 579। आप ऐसे मार्केट में आपने देखा, मैंने आपको ये वर्ड यूज़ किए थे। और अगर आप SBI को भी देखो तो बहुत स्ट्रांगली SBI मेंटेन कर रहा है अपने आप को, तो मैंने आपको ये भी एक कॉल दिया था, वो 3 या 4 कॉल मैंने बोले थे। रिलायंस मैंने बोला था जिस दिन वो 2130 के ऊपर क्लोज करेगा, तो आज 2126 पर रुक गया, तो अभी शांति रखिए इसमें। ठीक है, अब आ जाइए मेरे आज के कॉल्स दिखा, पहले तो मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, चार्ट में क्या बोल रहा है। चलिए, और लाइक्स के बटन खूब दबाइए भैया, ऐसा नहीं चलेगा, मतलब सब मैं करूं और आप लोग लाइक्स नहीं दबाओ। तो आज देखो गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन क्या कर रही है, व्हाट इज़ द एवरेज, आपके सामने यहाँ 20 EMA क्या आ रहा है, 15776.70, मैंने 775 बोला, तो ये हर वक्त चेंज होती है, बिकॉज इट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, विथ एवरी रेड रेड टिक्स, जो जो एक एक रेट बढ़ती या घटती है, तो ये चेंज होते रहता है, क्योंकि ये पिछले 20 दिन की अभी तक की रेट से ये एवरेज को निकालता है। तो 20 EMA के ऊपर ही चल रहा है निफ्टी आज। आप अगर हम इसका 15 मिनट का चार्ट देखते हैं आज का, तो उसमें हमको और क्लियर हो जाएगा कि ये कितनी जल्दी से अपने 20 EMA को रिगेन कर लिया था सुबह एक बार डाउन मार्केट। तो आप यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट है आज का, ये देखिए एक बड़ी कैंडल सुबह 9:15 बनी थी, इसका लो बना था आपको याद होगा 735। तो लेकिन इस कैंडल ने क्लोज कहाँ पे किया, 825 पे, यानी कि पहली 15 मिनट में इसने दिखा दिया कि मैं 775 के नीचे रहने वाला नहीं हूँ, स्ट्रांग। उसके बाद आप देखो दूसरी कैंडल जो है उसका लो देखिए 799, तीसरी कैंडल का लो देखिए, 15 मिनट की सब कैंडल है ईच एंड एवरी, तीसरी कैंडल का लो देखिए 812, चौथी कैंडल का लो देखिए 823, पांचवी कैंडल का लो देखिए, यानी कि 775 के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन कर रहा है। तो अब आप दिमाग लगा के एक काम कर सकते हो, 730 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए इंट्राडे बेसिस और रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके विपरीत में बैंक निफ्टी देखिए, अब बैंक निफ्टी का पहले तो हम लोग 20 EMA 6 महीने के डेली चार्ट में देखते हैं क्या आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट होगा। पहले तो हम डेली चार्ट लगा लेते हैं बैंक निफ्टी का, ठीक है, बैंक निफ्टी। इसको तो बंद करना ही है यार, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। अब इसमें 20 EMA क्या दिखा रहा है, 293, मैंने 300 बोला, ये चेंज होते रहता आपको पता ही है, इट इज़ अ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मूविंग मतलब इट कीप्स ऑन मूविंग विथ एवरी रेड टिक्स, हर एक रेट ऊपर नीचे होती तो ये भी मूव करता है। तो 293 की अभी आ रही है, और आज इसने
अभी चल रहा है उसके नीचे, तो ये अभी तक मैं इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ जब तक कि ये 300 के ऊपर स्थापित हो जाए स्पॉट में, स्पॉट में फ्यूचर में ऊपर चल रहा होगा। तो अब इसमें क्या हुआ, देखिए इसका भी 15 मिनट का हम चार्ट निकाल लेते हैं आज का। तो ये अभी तक स्ट्रांग नहीं हुआ, लेकिन फार्मा सेक्टर के लिए मैंने आपको खुला बोला था। तो ये देखिए इसने भी पहली कैंडल में ही एक लो बनाया 35,010 का, लेकिन उसी कैंडल को क्लोज किया 262 पे, यानी कि अपने 200 ईएमए के नज़दीक आ गया। दूसरी कैंडल का लो 224 का, तीसरी कैंडल का लो 274 का, लेकिन अभी तक ये 300 के ऊपर स्टेबल नहीं हो रहा है स्पॉट में। स्पॉट में अब फ्यूचर का लेवल कुछ और चल रहा है, फ्यूचर में चल रहा है ये, फ्यूचर में भी 275 भी चल रहा है, तो मतलब सेम ही है। नहीं, फ्यूचर में 369 चल रहा है, तो फ्यूचर के चक्कर में मत जाइएगा, आपको स्पॉट की रेट देखनी है ये वाली। ये जब 300 के ऊपर 20 मिनट टिक जाए तो आप इसमें बाई कर लीजिए। बैंक निफ्टी में 20 मिनट से ज़्यादा टिकना चाहिए, कंटिन्यूस टिकना चाहिए, कंटिन्यूस ध्यान रखिएगा। अब आजिए, आज मैंने कुछ कॉल्स दिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये मेरे आज के कॉल्स है, देखते हैं इसको क्या हुआ। पहला कॉल था मेरा आज का 9:37 पे, 2406 में हिंदुस्तान यूनिलीवर बाई करिए, 2344 का स्टॉप लॉस, 2600 प्लस का टारगेट टिल 31 अगस्त। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 2106 में दिया, 2113 चल रहा, 26 तक का हाई बना दिया, ठीक है। दूसरा कॉल था डॉक्टर रेडी कीप बाइंग एट एवरी लेवल स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली एनी क्लोज बिलो 5290 इन कैश मार्केट स्पॉट लेवल्स का, और टारगेट 6100 प्लस टिल अगस्त 31। जो मैं आपको भी बोल चुका हूँ, अगर रिलायंस आपको ये 941 का है तो डॉक्टर रेड्डी ऊपर ही चल रहा है अभी, और ये अगर आपको रिलायंस 2130 के ऊपर क्लोज होता हुआ कंफर्म लगे तो इसको पोजिशनल बाई करना है, या अगस्त का 2200 का कॉल बाई करना है अगस्त का। मैं हमेशा तो, और ITC दिया मैंने पोजिशनल बाई 208.30 में, फ्यूचर ये दिया 10:21 पर, और 200 का स्टॉप लॉस, 232 का टारगेट टिल 31 अगस्त। तो ITC का भाव देख लेते हैं, ITC यहाँ लगा हुआ ही नहीं होगा सर, एक मिनट। ITC कितना चल रहा है फ्यूचर में, 8.95 चल रहा है, 8:20 पे दिया था तो ऊपर ही चल रहा है, और इसका 232 का टारगेट है, 200 का स्टॉप लॉस है, ठीक है अगस्त तक का याद रखिएगा। अब इसके बाद क्या दिया, कोल इंडिया 162 पक्का आएगा टिल अगस्त 31, अभी 146 चल रहा है, जब मैंने लिखा था तब 10:27 पर। कोल इंडिया का भाव भी देख लेते हैं, कोल इंडिया है क्या, हाँ तो 46 चल रहा था उस समय, अभी 46:45 हो गया है, आप देख सकते हो 46:35-45। तो ये मुझे 162 तक का टारगेट लग रहा है 31 अगस्त तक, लेकिन इसमें भी अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो 138 का रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब बातें हैं, आप देखते जाइए, बाकी वीडियो और भी कुछ रहेगा अपडेट, कुछ भी होता है तो मैं बताऊंगा। बैंक निफ्टी जब तक आपको 300 के ऊपर स्थापित नहीं होता तब तक मत हाथ डालिए। जय जिनेंद्र, जय भोले।